यारों ने और सर ने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल ही दिया है, तो पर मुझे एक चीज की सर आप विकास के आज में कुछ कह सकते हैं? मेरी तो जान पहचान भी नहीं है उससे, वहां से क्या मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी उसकी, तो और ऐसे किसी चीज के बारे में मुंह उठा के बोल देना ठीक नहीं लगता, क्योंकि अभी मैं प्रधानमंत्री बना नहीं हूँ। एक अदर साहब एक बहुत अच्छी चीज, तो मेरे को उर्दू इतनी तो नहीं आती जितनी आप सब हस्तियों को आती है यहाँ पे, पर मुझे भाव समझ में आ रहा था और बहुत खुशी हुई ये देख के। मेरे को बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इसमें शायरी में एथिज्म की खूबसूरत खुशबू आ रही थी। ज्यादातर लोग बोल रहे थे कि खुदा अब कुछ है नहीं, तो चूंकि महफिलों में अक्सर आप जाओ तो जैसे सर भी बोल रहे थे हमने अपने अंदर के जो धर्म को बचा के रखा हुआ है। मैं पर्सनली एथीस्ट हूँ और साइंस में बहुत मेरा बिलीफ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्परामेंट का जिक्र है, लेकिन हमारी सोसाइटी साइंटिफिक नहीं है, रैशनल नहीं है। हम रैशनलिटी को की धज्जियां उड़ाते हैं और जिसकी वजह से ये है कि हम आईआईटी के इंजीनियर्स को देख के प्राउड फील कर जाते हैं कि यार ये देखो साइंस में हम कितने आगे हैं, बाद में वो चेतन भगत बन जाता है। और साइंस के बारे में ये मैंने उस दिन भी बोला था नेशन स्टेरॉइड मशीन में आप थी वहां पे, साइंस के बारे में हमारा हिंदुस्तानियों का एटीट्यूड ऐसा है जैसे लड़की के मायके वालों को लड़के वाले सोचते हैं ना कि जो मिल रहा है इससे ले लो, लेकिन लेने के बाद ये भी बोल दो तो वहां पहले से ही था, हर चीज इनके पास पहले से थी और हर चीज पहले से थी इनके पास और इतने एडवांस थे और इतना प्राउड फील करने वाला सिविलाइजेशन था, तो हर कोई आगे ने कूट कैसे रहा था। और अब कह रहे हैं अब बदला लेंगे हम, आपको बोलेंगे अपनी पुरानी खोई हुई गरिमा। अब इस तरह की बातें कौन करता है कि गाय के गोबर में प्लूटोनियम है। ये बातें हमारे देश में हो रही हैं। जैसे कोई बुढ़ा मर रहा होता है अपनी मृत्युशैया पे होता है तो उसके जो दो बेटे होते हैं वो उसकी चापलूसी करते रहते हैं के बाबा हमें आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं है, आप अच्छे हो जाओ अच्छे हो जाओ, लेकिन जैसे ही बुड्ढा मर जाता है दोनों कहते हैं मेरे नाम वसीयत करके गए हैं, क्योंकि बुड्ढा तो मर गया आप चेक कहां से करोगे। ऐसे ही स्टीफन हॉकिंग जब मरा उसके मरने के अगले दिन हर्षवर्धन सिंह बोलते हैं कि स्टीफन हॉकिंग बोल के गया है कि वेदा आर सुपीरियर टू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर जस्ट नेक्स्ट डे, एज ही वाज जस्ट वेटिंग कि ये मरे मत एकदम से आवाज। और जाते जाते स्टीफन हॉकिंग की लास्ट किताब लिख के गया, उसको बोल गया देयर इज नो गॉड। अब इसका मतलब क्या है, मतलब साइंस में मैथमेटिक्स में लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू के साइन होते हैं, ये सुपीरियर का क्या साइन है कि वेदर इज सुपीरियर टू इज इक्वल टू एमसी, व्हाट डज इट इवन मीन। और लेकिन इसी में लोग बोलते हैं तुम्हें क्या पता पहले होता था ऐसे ये है सुपीरियर। तो ये इस तरह की बेवकूफी की बातों को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, यही रीजन हो सकता है जो भी रवीश जी बात करते हैं कास्ट का जो हमारे मसला है, हर अपर कास्ट के लिए एवरीथिंग इज अबाउट सुपीरियरिटी ऑफ वेदास, साइंस को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो हम रैशनल है ही नहीं, हमारे घर में लोग कंप्यूटर खरीदते सबसे पहले गणेश की फोटो लगा देते हैं उसके ऊपर और हमारे प्रधानमंत्री बोलता है कि गणेश की स्टूल प्लास्टिक सर्जरी थी जब मैंने मान लिया थी तो ठीक से कर लेते अगर आदमी के शक्ल पे हाथी की शक्ल लगा दोगे तो कौन तुम्हारे पास करने आएगा प्लास्टिक सर्जरी। बेवकूफियां सभी वो एक चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा का वो बोलता रहता है महाभारत में इंटरनेट था वाईफाई और इंटरनेट से उसका मतलब, तो मैं पूछा अगर आप ट्रेन करते हो मेरे पास वाईफाई है कि तीन चार बेसिक से सवाल है कि आपका मतलब आईपी एड्रेस क्या है फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेटा स्पीड कितनी है, ये बोल देना कि महाभारत में इंटरनेट था और हम संजय वैसे ही बोल रहा था। देखो बेवकूफी की बात है ना, हमारे घरों में आप साइंस साइंटिफिक हो जाओ अगर तो आपको होने नहीं देते हैं, रैशनल हो जाओ तो होने नहीं देते हैं, आप रैशनल कुछ सवाल पूछोगे तो थप्पड़ पड़ जाएगा कि माँ बाप का जवान चलाता है। अगर आप ये पूछोगे ये जो इस ये जो भगवान इसकी आप पूजा करो इसकी इतने सारे सर कैसे आ गए, तो हो नहीं सकता।
पहले कुटाई हो जाएगी, फिर उसको उसको जिद करके बोलेंगे 12th में इतने मार्क्स लेके आने कि ताकि 11th में साइंस ले सके। साइंस का मतलब क्या है तो जान लो, साइंस का मतलब है सवाल उठाना। और हमारे यहाँ इसीलिए लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि हमारे घरों में इन चीजों को कोई अहमियत नहीं दी गई कि हम सेकुलरिज्म के बारे में नेशनल डिस्कशंस करें घर में, हम डेमोक्रेसी के बारे में करें, हम तभी कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना सीखेंगे। इसलिए आज की जनरेशन ऐसी है कि दे केयर अबाउट IITs एंड मेडिकल, मतलब इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, और फिर उसके और बेवकूफ हो तो MBA बन जाओ, लेकिन वो उनको ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। सेकुलरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंट्री डेमोक्रेटिक और सेकुलरिज्म के, डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म के बिना फूट जाएगा, उनको लेकिन मैटर ही नहीं करता। आप किसी IIM वाले से पूछो, बोले डेवलपमेंट की बातें शुरू किसने करी थी सबसे पहले, क्या डेवलप करना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब फाइनाइट रिसोर्सेज से इनफाइनाइट डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? और हर आदमी आगे कहता है कि मैं और डेवलपमेंट करूंगा, और डेवलपमेंट करूंगा, लेकिन हमारी डेवलपमेंट किस चीज में हो रही है? बच्चे वाला घर से जा रहे हैं और उसमें खुश होते हैं लोग। अगर हमारी साइंटिफिक मेंटेलिटी होती तो हम ये सोचते रिसोर्सेज नहीं है, हमें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, और हमें तो मतलब रोना चाहिए अगर कोई पैदा हो जाए तो, कि इस दुनिया में किसको लेके आ रहे हैं, रहने लायक जगह। ये पीपल इस, अगर आप मुंबई में होते नहीं बोला था, मेट्रो का डब्बे की तरह है ये दुनिया, लोग चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते चढ़ रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। आप सोचते राजीव चौक आए उतर जाएंगे, कुछ राजीव चौक पर और चढ़ जाएंगे। जब कोई इंसान मरता है तो लोग दुखी होते हैं, और पैदा हुआ तो खुश होते हैं, उल्टा करना चाहिए। मतलब नॉन साइंटिफिक कल्चर्स की वजह से ये चीजें डेवलप होती जा रही हैं, और आप लोगों से बहस भी करने लग जाओ तो कुछ लोग कूल बनने के लिए बोल देते हैं ना आके के यार आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन सम एनर्जी। उनको बोल के लगता है कि बड़े कूल लग रहे हैं। मैं एक आदमी से आप एक रैशनल आर्गुमेंट तभी कर सकते हो जब उस पर थोड़ी सी तो बुद्धि हो, तो मैं तो मजा लेता हूं। मैंने तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये जो स्टीफन हॉकिंग 25-30 साल पहले लगभग इंडिया आया था, और सिलिफोर्ड में उसका प्रोग्राम था, वहां पर इंडियन उससे पूछ रहे कि मैं अपने बच्चे को कौन से पत्थर मिलाऊं, इसको गुस्सा बहुत आता है। द मोस्ट सेलिब्रेटेड एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज रिड्यूस्ड टू अ नेबरहुड एस्ट्रोलॉजर इन दिस कंट्री। ये हमारे वो हॉरोस्कोप आता है अखबार में, बड़े चाव से लोग उसको पढ़ते हैं, बहुत बोलते हैं, बिलीव नहीं करता, मजे आते हैं बस। यार मजे के लिए बोल गप्पे खाते उसमें नीचे लिखा होता है कि लकी कलर टर्कोइज लकी नंबर 7। इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं कि आज मेरा लकी नंबर 7 है, लकी कलर टर्कोइज है, इस इंफॉर्मेशन का मैं करूं क्या? 7 नंबर का क्या करूं, मैं कुछ कर लूं? तो मेरा बस यही कहना है कि हमें अपनी अपनी आसपास की जिंदगी में, अपने घरों में रैशनैलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अगर रैशनैलिटी को आप, अगर आप देखो इस तरह के बेवकूफ लीडर्स ये सोसाइटी में इरेशनैलिटी इसीलिए फैलाते हैं ताकि उनको क्वेश्चन ना कर सके कोई, क्योंकि रैशनल आदमी ही क्वेश्चन करेगा कि इतनी इनइक्वालिटी क्यों है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी क्यों है, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी क्यों है, क्योंकि दिस इज अ रैशनल क्वेश्चनिंग। अगर आप रैशनल हो तो आप चुपचाप स्टेटस क्वो में खुश रहोगे। ब्राह्मण 10% का कोटा लेता रहेगा, और जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक मेरिट मेरिट चिल्लाता रहेगा। दिस आर ऑलरेडी इरेशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो मेरा कहना ये, अपनी जिंदगी में हम जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं साइंस रैशनैलिटी को, और जितने फालतू के क्लेम्स करते रहते हैं, इनकी जितनी हंसी उड़ा सकते हैं उतनी उड़ाई। मजे की बात यह है, इनको ये समझ में भी नहीं आता कि इनकी हंसी उड़ा रहे हैं, बट फिर भी हमारा अपना एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है। तो मुझे भी इतना ही कहना था जी, थैंक यू।